मैं स्टार्ट करता हूँ अपना लेक्चर फिलहाल। जी बेटा, आज के लेसन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं हमारे? टू अंडरस्टैंड द थ्री अप्रोचेज टू पोस्ट मॉडर्निज्म। ठीक है जी, सबसे पहले तो हम थ्री जो अप्रोचेज हैं मॉडर्निज्म की, पोस्ट मॉडर्निज्म की, व्हाट इज़, फिर उनके दरमियान हम अंडरस्टैंड करेंगे कि इनका डिफरेंस क्या है मॉडर्निज्म का और पोस्ट मॉडर्निज्म का, और पोस्ट मॉडर्निज्म में मीडिया को कैसे यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, सिमियोलॉजी में हमने थोड़ा सा इसको देखा था कि सिमियोटिक्स और सिमियोलॉजी में ये चीज़ें देखी थी कि साइन को जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है और उसको मोल्ड कर दिया जाता है और उसको परवर्ट कर दिया जाता है और उसको रियलिटी जो है ना उसके अंदर इल्यूजन का बहुत ज़्यादा कंट्रास्ट है। टू नो द बेसिक थीरीज ऑफ द पोस्ट मॉडर्न, ये तीन हमारे आज के ऑब्जेक्टिव हैं जी, जिसके अंदर हमने जो है रहना है। तो उसके बाद व्हाट इज़ पोस्ट मॉडर्निज्म, सबसे पहला जो बड़ा क्वेश्चन बनता है। ठीक है जी, कि व्हाट इज़ पोस्ट मॉडर्निज्म। तो यू हैव टन मिरर्स टू रिसर्च द टर्म पोस्ट मॉडर्निज्म, तो इसको आप लोग भी देखिएगा। ठीक है जी, तो व्हाट इज पोस्ट मॉडर्निज्म, मेक अ नोट ऑफ ऑल डेफिनेशन यू फाइंड रेडी टू फीडबैक टू द क्लास। ये एक्टिविटी होगी जी आपकी। ठीक है जी, तो आप इसके ऊपर देखिएगा, मैं भी आपको आगे पढ़ाता हूँ। जी बेटा, एक मिनट सिर्फ, मैं ना सिर्फ एक। जी, पोस्ट मॉडर्न इज़ अ नोटोरियसली डिफ़िकल्ट कंसेप्ट टू डिफाइन। सबसे पहले तो ये चीज़ है कि ये बहुत जो है ना मुश्किल है इस कंसेप्ट को डिफ़ाइन करना कि व्हाट इज़ पोस्ट मॉडर्निज्म, कि मतलब मॉडर्निज्म से ये डिफरेंट भी है कि नहीं है। ठीक है जी, और इससे क्या कॉमन चीज़ें भी हैं कि नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ें जो है मॉडर्निज्म की अडॉप्ट की गई हैं और कुछ नहीं की गई। तो देर आर थ्री अप्रोचेज टू दिस, हम तीन तरह जो है ना इसको अप्रोच करते हैं। एक है हिस्टोरिकल, फिर है स्टाइलिस्टिक एंड फिर है जी थ्योरेटिकल। ठीक है, तीन तरह से हम पोस्ट मॉडर्निज्म को एनालाइज करेंगे ना, तो हम काफ़ी हद तक इसके कंसेप्ट को समझ सकते हैं। वैसे जो है इसको समझना जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट है। हिस्टोरिकल कंसेप्ट में क्या चीज़ आती है, पोस्ट मॉडर्न इज़ अ रिएक्शन टू मॉडर्निज्म। मॉडर्निज्म वॉज अ मूवमेंट जिसके अंदर हर वो चीज़ जो पहले, मतलब चूँकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुई तो उसमें हर चीज़ को जो है ना तब्दील कर दिया गया। उसमें बहुत सारे आइडियाज़ जो थे उनको स्टाइल चेंज हो गए, फिक्शन फॉर्म चेंज हो गई, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई, उसके अंदर बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ हो गई। तो मतलब अगर लिटरेचर था, मीडिया था, तो हर लिहाज से। तो देयरफॉर टू अंडरस्टैंड पोस्ट मॉडर्निज्म फ्रॉम अ हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू वी नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड मॉडर्निज्म। तो इसका मतलब अगर हमने पोस्ट मॉडर्निज्म को समझना है तो फिर हमें समझ आएगा कि मॉडर्निज्म में क्या क्या चीज़ें तब्दीलियाँ आई थी जिसकी बेस पे मीडिया के अंदर बहुत सारी तब्दीलियाँ जो है ना वो लेके आई गई। तो इस तरीके के साथ हम इसको थोड़ा सा हिस्टोरिकल अप्रोच के साथ देखते हैं। तो व्हाट इज़ एक्सपेरिमेंटेशन विद रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी, ये हमने सिमियोलॉजी के अंदर भी देखा था कि जो रियलिटी को रिप्रेजेंट कर रहे होती हैं जो साइन सिंबल, वो मतलब जो है ना वो आजकल हाइपर रियलिटी की सूरत में चल रहा होता है। तो इसका मतलब हुआ ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है रियलिटी को, कितना परसेंट इसको किया जा रहा है प्रोजेक्ट और कितने परसेंट नहीं किया जा रहा। तो मॉडर्निज्म अ पार्ट ऑफ द मूवमेंट ऑफ अर्ली 20th सेंचुरी। ठीक है जी, तो इसका क्या क्रीड क्या है, वैल्यू जजमेंट्स, हाई कल्चर वर्सेस लो कल्चर। उसके बाद ये जजमेंट्स को भी वैल्यू करता है, जैसे जो गोरे हैं वो लोगो सेंट्रिसिज्म, यानी कि वो अपने आप को सेंटर में रखते हैं और दूसरे को मार्जिन में समझते हैं, और अ लॉट ऑफ व्हाट इज़ जनरली एक्सेप्टेड एज द नॉर्म। तो वो कहता है ये वो चीज़ें थी जिनको मतलब नॉर्मेलिटी के तौर पर लिया गया। उसके बाद जी हम देखते हैं नेक्स्ट इसका जो है मॉडर्निज्म का, तो मसलन वो कहता है कि आपको समझाने के लिए बता रहा है कि थिंक फॉर आर्किटेक्चर द सिंप्लीफिकेशन ऑफ फॉर्म एंड द एलिमिनेशन ऑफ ऑर्नामेंट।
ठीक है जी। तो ये देखें, ये आर्किटेक्चर जो है ना अब सिंप्लीफिकेशन की तरफ जो है ना वो बढ़ गया, फॉर्म और एलिमिनेशन ऑफ ऑर्नामेंट जो है ना वो ख़त्म हो गया। आर्ट एक्सपेरिमेंटिंग विद रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल, आर्ट के अंदर भी मुख्तलिफ किस तरह के, क्योंकि जो मॉडर्निज्म था इट वॉज़ फुल ऑफ वार, राइट। तो वार के अंदर बहुत सारे डेंस किस्म के और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो प्रोजेक्ट की गई, ठीक है जी। तो इस तरीके के साथ हमने देखा कि मतलब जो है ना एक्सपेरिमेंटिंग विद रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल, कि आर्ट के अंदर मुख्तलिफ तरह से वो लोगों को रिप्रेजेंट किया। मतलब आपने देखा क्या नाम था, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस और इस तरह की चीज़ें नई नई आई, ठीक है जी। और जो प्लॉट था उसको रप्चर कर दिया गया, कहानी का बिगिनिंग मिडल और एंडिंग। तो इसी तरीके के साथ मीडिया के अंदर भी इसका जो है रोल मतलब एक्सपेरिमेंट हुए। तो न्यूक्लियर फैमिली हमने देखा मॉडर्निज्म के अंदर, तो सो इज़ दैट इज़ मॉडर्न, व्हाट इज़ पोस्ट मॉडर्निज्म, फिर थिंक सोचे अगर ये मॉडर्निज्म है तो फिर पोस्ट मॉडर्निज्म क्या है। तो आर्किटेक्चर में अगर हम गौर करें तो प्लेइंग विद द आइडिया ऑफ कन्वेंशंस ऑफ बिल्डिंग्स, ठीक है। सबसे पहले तो आइडियाज़ ऑफ बिल्डिंग जो है ना, अगर उनको मतलब जो है सिंप्लीफाई किया था, अब इनको और फर्दर मॉडिफाई कर दिया गया, तो मेकिंग अस थिंक अबाउट हाउ इट इज़ कंस्ट्रक्टेड। तो ये देखें, ये बिल्डिंग का एक इमेज है, तो हमें पता चलेगा कि इस तरह मतलब जो है ना, हालांकि ये एक इल्यूजन लग रहा है, ठीक है जी, और हालांकि ये है क्या एक रियलिटी। तो सिमिलरली आगे चल के जो थीरिस्ट आने हैं मतलब पोस्ट मॉडर्निज्म के अंदर, ठीक है, जीन बोडले लॉर्ड, उसने मीडिया के ऊपर बहुत कुछ लिखा है, कल्चर के ऊपर बहुत कुछ लिखा है, वो कैसे मतलब उसको एक्सप्लेन कर रहा है। तो अभी हम इसके आर्ट और इसके आर्टिस्टिक पहलू के से रिलेटेड जानते हैं। तो ये देखें, ये वाली आर्ट और दिस, मतलब कौन सी आर्ट ठीक लग रही है। तो अल्टरनेटिव मॉडल्स इन अ सोसाइटी, एक फैमिली, ठीक है जी। अब फैमिली के बजाय जो है वो एक अल्टरनेटिव मॉडल जो है ना दे दिए गए, क्योंकि हम हमारा तल्लक अब सिर्फ सो सिर्फ टेक्नोलॉजी के साथ रह गया है, कल्चर के साथ रह गया है, ठीक है जी। तो इस तरीके के साथ हमने, सो हाउ कैन वी डिफाइन पोस्ट मॉडर्निज्म, तो इस तरह पोस्ट मॉडर्निज्म को अब हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं जब ये तमाम चीज़ें रप्चर का शिकार हो गई। तो सब्जेक्ट ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म, मीडिया, टेक्स्ट, ठीक है जी। तो पोस्ट मॉडर्निज्म टेक्स्ट एम्बॉडी स्केप्टिसिज्म टुवर्ड्स द आइडियाज एंड आइडियल्स ऑफ द मॉडर्न ईरा। मॉडर्न ईरा के अंदर जो तब्दीलियाँ आईं उसके अंदर फर्दर स्केप्टिसिज्म, क्योंकि वो पहले से ही स्केप्टिसिज्म थी, और जो पोस्ट मॉडर्निस्ट हैं वो फर्दर जो है ना इसके अंदर जो स्केप्टिसिज्म लेके, स्पेशली द आइडियाज ऑफ प्रोग्रेस, ऑब्जेक्टिविटी, रीजन, सर्टेनिटी और पर्सनल आइडेंटिटी। तो मतलब जो तरक्की है, ऑब्जेक्टिविटी है, और हमारी जो अकल है, सर्टेनिटी है, और पर्सनल आइडेंटिटी एंड ग्रैंड नैरेटिव्स के ऊपर क्वेश्चन रेज कर दिए गए। सबसे पहले तो ये है कि जो मतलब पहले चीज़ें ऑर्थोडॉक्स बताई गई थी उनको सबको चैलेंज किया गया है। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म या पोस्ट मॉडर्निज्म इज़ अ मतलब जो है इंटर रिलेटिंग टर्म्स, स्टाइल ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म एज मीडिया टेक्स का क्या है। पोस्ट मॉडर्निज्म टेक्स प्लेयर इन प्लेइंग विद कन्वेंशंस, ठीक है जी। तो कन्वेंशन के साथ खेलना पोस्ट मॉडर्निज्म होगा। पेंटिंग पॉइंटिंग आउट नेचर ऑफ हाउ एवरीथिंग इज अ कंस्ट्रक्शन, मतलब ये फिलोसफिकल डेप्थ में जाते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके के साथ जो है ना इन चीज़ों को क्रिएट किया गया है। तो अब इल्यूजन और रियलिटी का बहुत ज़्यादा तल्लक है इनके साथ, ठीक है। जैसे हमें मीडिया में चीज़ें दिखाई जाती हैं, मॉडर्निज्म बिलीव दैट द लाइव्स ऑफ पीपल वुड इम्प्रूव थैंक टू साइंस एंड अ वर्ल्ड बेस्ड ऑन लॉजिक। तो मॉडर्निज्म को ये परसेप्शन थी कि मतलब जो है ना अगर वो लोग लॉजिकल रहें और साइंस को थैंकफुल रखें तो दे कैन बेस अ लॉट ऑफ देयर नॉलेज। इट वॉज अ टाइम ऑफ ऑप्टिमिज्म एंड कैरिड ओवर फ्रॉम विक्टोरियन ईरा। तो वो कहता है कि ये एक ऑप्टिमिज्म का टाइम था, थ्रू द एडवर्डियन एंड राइट अप टू 1914। तो ये 1914 तक जो है ना ये सारा मॉडर्निज्म चला, और इसमें ये कहा गया कि अगर हम साइंस को एक ज़रिया बनाएं तो हम, और उसके बाद हम अपने अकल जो है ना एक्सपेरिमेंट को देखें, चीज़ों को एनालाइज करें, हिपोथेसिस को जो है ना वो मतलब अच्छे तरीके से एवेल्यूएट करें, तो वी कैन रीच टू अ सर्टन टेंजिबल कंक्लूजन, ठीक होगा जी। उसके बाद द टर्निंग पॉइंट इसमें क्या है, द टेरिबल कार्नेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सोड द सीड ऑफ डाउट एज इट्स एज टू वेदर द वर्ल्ड वॉज बिकमिंग अ बैटल प्लेस, बेटर प्लेस, ठीक है जी। तो बैटल प्लेस बन गई, तो वो कहते हैं कि ये एक टेरिबल चेंज आई इस, मतलब हालांकि अच्छी खासी प्रोग्रेस आ रही थी, मतलब हर चीज़ मैकेनिकल होती जा रही थी, और हमारा ये एक जो शिफ्ट था ये पैराडाइम शिफ्ट हो रही थी, बट एक अगेन टर्निंग पॉइंट आ गया कि फर्स्ट वर्ल्ड वार ने एक ऐसा सीड बो दिया जिसके ज़रिए डाउट और बहुत सारी चीज़ें, स्केप्टिसिज्म आ गई, मतलब लोगों ने कहा कि देयर इज़ नो गॉड, ऑर्थोडॉक्स रिलीजन के ऊपर डाउट आ गया, साइंटिफिकली चीज़ों को देखना, द फैक्ट दैट साइंस वाज टर्न टू
creating weapons of mass destruction and killing on an industrial scale as a trademark of the war. A wave of pessimism swept across Europe. इस तरीके के साथ जो है ना एक वेव ऑफ पैसिमिज्म जो है वो जो है ना यूरोप के इर्द गिर्द लपेट दी गई. द बर्थ ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म तब भी हो गई थी, ठीक है, जब मॉडर्निज्म का एंड हुआ, जब वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गई. द आइडिया ऑफ लॉस इन द गुडनेस ऑफ पीपल एंड अ सस्पिशन ऑफ साइंस एंड अ वर्ल्ड ऑफ लॉजिक एंड ऑर्डर वाज कंपाउंडेड बाय टू मेन इवेंट्स ऑफ द सेकंड वर्ल्ड वार. अब सेकंड वर्ल्ड वार के साथ जो है ना ये एक और चीज़ जो है ना चैलेंज हो गई, ठीक है. तो इस तरीके के साथ पोस्ट मॉडर्निज्म इरा डाउट स्केप्टिसिज्म और इन तरह की चीज़ों को फैला दिया गया. द होलोकॉस्ट, ये दो चीज़ें, एक होलोकॉस्ट जो हिटलर ने जो है ना वो किया, द ड्रॉपिंग ऑफ एटॉमिक बम ऑन द जैपनीज सिटीज. तो ये फर्दर जो है ना पॉलिटिकली हम लोगों ने देखा कि फर्दर जो सिविलाइजेशन की जो था डिक्लाइन वो नज़र आया हमें, ठीक हो गया जी. उसके बाद द बर्थ ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म. दीज इवेंट्स ब्रॉट अबाउट द मूवमेंट एंड थीरीज विच आर लूजली टाइटल्ड पोस्ट मॉडर्न में पोस्ट मॉडर्निस्ट, ठीक है जी. तो बाई 1968 दीज आइडियाज रीच फ्रूटेशन. तो वही वाले आइडियाज जो स्केप्टिसिज्म के और डाउट्स के और हर चीज़ को चैलेंज करना और हर चीज़ को जो है ना मतलब एवेल्यूएट करना, उसका जो था वो ऑफ शूट जो है ना अब ये पहुँच चुका था, ठीक है जी. उसके बाद सम डिस्टिंक्शंस. मॉडर्निस्ट मतलब जो है ना क्या करते थे, बिलीव दैट पीपल वर कैपेबल ऑफ ओरिजिनल थाट. वो ये समझते कि लॉजिक रीज़न इसके ज़रिए हम कोई टेंजिबल कंक्लूजन तक पहुँच सकते हैं. लेकिन आगे पोस्ट मॉडर्निज्म देखिएगा कि किस तरह वो कहेंगे रियलिटी जो है वो हमारे सामने जो आ रही है दैट इज़ ऑल अबाउट इल्यूजन. पोस्ट मॉडर्निज्म मॉडर्निस्ट दैट द मेचोरिटी ऑफ द वर्ल्ड बेसिस इट्स व्यूज ऑन वाट इज़ प्रेजेंटेड टू दैम थ्रू द मीडिया, ठीक है जी. पोस्ट मॉडर्निज्म का क्या काम है, वो ये समझते हैं कि जो हमारी जो मेजॉरिटी ऑफ वर्ल्ड है, देखें ना सोशल मीडिया, इसमें किस तरह पिक्चर्स जो है ना हमारे तक पहुंच रही हैं, एडवर्टाइजमेंट और ये टेलीविज़न में कैसे आइडियोलॉजी हम तक थ्रो की जा रही है, दैट इज़ कॉल्ड हाइपर रियलिटी. अ रियलिटी मेडिएटेड थ्रू मीडिया. तो एक ऐसी रियलिटी जो बिल्ड की जाती है मीडिया के बेस के ऊपर, तो ये पोस्ट मॉडर्निज्म का है. जबकि वो लोग स्टेबल थे थोड़े से, दो देवर स्केप्टिकल टू सम एक्सटेंट बट स्टिल दे हैव फाउंड मतलब अ लिटल अमाउंट ऑफ स्टेबिलिटी इन देयर जो है ना मॉडल्स. बट स्टिल नाउ पोस्ट मॉडर्निस्ट आर मतलब जो है ना ओवरवेलम्ड विद द थॉट ऑफ आइडिया. तो मॉडर्निस्ट बिलीव दैट अ वर्क ऑफ आर्ट बियर द यूनिवर्सल ट्रूथ आर मीनिंग. वो ये समझता था कि ये सब के लिए अक्रॉस द बोर्ड इक्वल है. बट पोस्ट मॉडर्निस्ट बिलीव दैट वर्क्स ऑफ आर्ट आर ओपन टू मैनी डिफरेंट इंटरप्रिटेशन. क्योंकि देखें कि जो एक चीज़ हमको अच्छी लग रही है मे बी दूसरे कल्चर वाले लोगों को वो बुरी लग रही हो. तो इन दिस वे ये पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकिंग है कि फिलोसफाइज करना चीज़ों को, एवेल्यूएट करना और फिर उनके मुताबिक जो है ना अपने आइडियाज़ को थोड़ा सा मोल्ड कर लेना और चेंज कर लेना, ये उनका हाल मार्क है. दैन जी थ्योरेटिकल अप्रोच, ये तो होगी ना हिस्टोरिकल अप्रोच. तो मेन थीरीज क्या है, लियोटार्ड, बुडलार्ड एंड जेम्सन. ये तीन बड़े जो है ना थ्योरेटिकल इन्होंने मतलब हर चीज़ को चैलेंज किया, लियोटार्ड और बुडलार्ड और जेम्सन ने. तो दीज थ्री थीरीज ऑफ्टन इंटरप्रिटेशंस ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म विच विल हेल्प अस टू कंसिडर पोस्ट मॉडर्न मीडिया. तो वो कहते हैं कि इससे हमें पता चलेगा कि व्हाट इज़ पोस्ट मॉडर्न मीडिया एंड व्हाट इज हाउ इज़ इट गोइंग टू बी प्रोजेक्ट, ठीक है जी. तो लियोटार्ड का है मेटा नैरेटिव, उसने ग्रैंड नैरेटिव्स को चैलेंज कर दिया है. उसने कहा कि ये जो ग्रैंड नैरेटिव, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं होता, कोई ऑब्जेक्टिव ट्रूथ नहीं होता जब तक आप जो है ना अपने मुताबिक दूसरे कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक नहीं सोचते. 10 मिनट्स टू सर्च द थीरिस्ट, ठीक है जी. फाइंड आउट व्हाट पोस्ट मॉडर्निज्म थीरीज दीज थीरिस्ट केम अप विद, ठीक है जी. अभी मैं ये 10 मिनट्स आप प्लीज़ इसकी ये कल के लिए हैं, ठीक है जी. तो आप लोग जो है ना इनको सोचिएगा तो फिर मुझे जो है ना बताइएगा. हम पहले जो है ना इसका जो थीरिस्ट है उसको इंट्रोड्यूस करते हैं, देखते हैं कि ये उसका क्या काम. रिजेक्शन ऑफ ग्रैंड और मेटा नैरेटिव्स, ठीक है जी. क्योंकि सब चीज़ों को मतलब जो है ना चैलेंज करना ही पोस्ट मॉडर्निज्म का एक हाल मार्क है और अब मीडिया में किया जा रहा है, ठीक है जी. क्योंकि इसके पीछे एक कल्चरल एक माइंड सेट होता है कि हमने ये काम करना है और कैसे करना है. जैसे देखें ये जो कोरोना है, ठीक है जी, इसको कैसे फैलाया गया, ठीक है, थ्रू मीडिया. तो मीडिया इज़ अ ग्रेट पावर, ठीक है. अगर मीडिया ना होता तो मे बी हम इतना खौफ फैलाने में और एजुकेट और लोगों को एजुकेट भी किया जा रहा है, लोगों को खौफ का भी और लोगों को एहतियात का भी बताया जा रहा है और लोगों को मिजरेबल पिक्चर्स भी दिखाई जा रही हैं. तो मतलब ये चीज़ें हैं. तो इसने क्या किया, इसने कहा कि कोई ग्रैंड नैरेटिव नहीं है, छोटे छोटे नैरेटिव्स हैं. अगर हम हर कल्चर को उसके कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक देखें, उसको सोचें,
दीज आर लार्ज स्केल थीरीज एंड फिलासफीज ऑफ द वर्ल्ड सच एज द प्रोग्रेस ऑफ हिस्ट्री द नोएबिलिटी ऑफ एवरीथिंग बाई साइंस एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ एब्सोल्यूट फ्रीडम देयरफॉर ऑल कैन नैरेटिव शुड बी व्यूड विद सस्पिशन. तो कहते हैं कि इसलिए चूँकि आजकल टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रही है, मीडिया में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हो रही है, मुख्तलिफ किस्म की राय आ रही हैं और लोग जो हैं कोई ग्रैंड नैरेटिव नहीं है कि ये अच्छा है ये बुरा है. हर जो अच्छाई और गुडनेस और जो ईवलनेस है दैट इज़ अ रिलेटिव टर्म. ठीक है जी, तो इसमें कोई नहीं है कि मतलब जो है ये अच्छा है तो इट मीन्स इट्स अल्टीमेटली ट्रूथ, कोई नहीं है. तो पोस्ट मॉडर्न में हर चीज़ को चैलेंज कर दिया गया थ्रू दिस मेटा नैरेटिव. तो जब हम मतलब आगे चल के ये थीसिस वगैरह लिखते हैं तो हमने इसी बेस पे लिखते हैं. ठीक है जी, कि मतलब जो ये कहा जाता है वेस्टर्न में कि वाइट्स आर वेरी एडवांस्ड पीपल, ब्राउन आर ब्लैक्स आर वेरी मतलब जो है ना क्रूक्ड पीपल, दे आर जस्ट फॉलोअर्स. सो उसके बाद ये उनके तरफ से ये कहा जाता है कि दे आर टेररिस्ट, मुस्लिम ऑल मुस्लिम्स आर टेररिस्ट. ठीक है, तो ये टैग जो लगा देना तो ये एक मैरिट ग्रैंड नैरेटिव को चैलेंज है ना. द ट्रूथ देयर फॉर नीड्स टू बी डीकंस्ट्रक्टेड. कहते हैं सच को फिर थोड़ा सा डीकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, गो थ्रू करना पड़ेगा सो दैट वी कैन चैलेंज द डोमिनेंट आइडियाज दैट पीपल क्लेम एज ट्रूथ. तो फिर हम देखें कि मतलब कि जिन आइडियाज़ को लोग जो है ना ट्रूथ समझते हैं वो उनको क्लेम किया जा सकता है कि नहीं. तो जीन बोडलॉर्ड ये इंपॉर्टेंट है जी, बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है मीडिया स्टडीज़ के रिलेटेड और पोस्ट मॉडर्न इसकी थिंकिंग के ऊपर. सिमियोलॉजी, सिमियोटिक, सिमुलेक्रम, हाइपर रियलिटी, ऑल दीज टर्म्स हैव बीन डिफाइंड बाय दिस पर्सन. तो देयर इज नो लॉन्गर अ डिस्टिंक्शन बिटवीन रियलिटी एंड रिप्रेजेंटिंग इमेज आर सिमुलेक्रम. ठीक है, ये मैं अभी बता भी रहा था. तो इसका ये है कि वो कहता है कि कोई डिस्टिंक्शन नहीं है रियलिटी का और जो उसको रिप्रेजेंट करने वाला इमेज है उसका, क्योंकि दोनों ही इल्यूजन है. ठीक है जी, ऑन द बोथ हैंड हाइपर रियलिटी कहता है क्यों, वाई, बिकॉज वी आर फेसिंग हाइपर रियलिटी इन ऑल, देर इज़ ओनली सरफेस मीनिंग्स. ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ सरफेस के मीनिंग्स हैं. तो देर इज़ नो लॉन्गर एनी ओरिजिनल थिंग ऑफ आर द साइन टू रिप्रेजेंट. वो कहता है कि आप कोई ओरिजिनल थिंग है ही नहीं जिसके जरिए किसे. तो ये सिमियोटिक्स और सिमियोलॉजी को ही तो चैलेंज कर रहा है ये. ठीक है जी, तो उसके ऊपर ये पूरा एक अपनी थीरी बना रहा है. तो इसलिए इसको पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म या पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर कहा जाता है. तो इसलिए वो ये बताना ये चाह रहा है कि मतलब जो है पीछे कुछ नहीं है, ये ऑल इट्स ऑल बिकॉज ऑफ मीडिया वार, द साइन इज द मीनिंग. तो साइन जो है वो एक्चुअली वही उसका मीनिंग है. वाई, बिकॉज साइन इज इट्स सेल्फ होल्डिंग एंड नॉट एनी टाइप ऑफ रियलिटी. फिर फ्रेडरिक जेम्सन का क्या कहना है, एक का काम क्या था मीडिया के बारे में बताना कि ठीक ये रियलिटी जो ना जो रिप्रेजेंटिंग जो इमेजेस होते हैं वो नहीं कर रहे पा रहे. दूसरे ने कहा मेटा नैरेटिव तो हिस्टोरिकल व्यू पॉइंट के साथ पोस्ट मॉडर्निज्म एंड डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्निज्म. कहते हैं कि ये एक्चुअली मॉडर्निज्म की ही इब्तदा से इंतहा है. ठीक है जी, कुछ चीज़ें क्योंकि इसके अडॉप्ट कर ली गई पोस्ट में, कुछ चीज़ें बाद में आने वाली हैं, कुछ जो हैं मतलब उनको फर्दर इन्हांस कर दिया, कुछ को आउटराइट रिजेक्ट कर दिया गया. तो पोस्ट मॉडर्निस्ट वर्क्स आर ऑफ्टन कैरेक्टराइज्ड बाय लैक ऑफ डेप्थ. इनमें मतलब जो है यही तो मतलब एक हॉल मार्क है कि जो सिर्फ और सिर्फ जो हमें सरफेस रियलिटी के ऊपर नज़र आ रही चीज़ें उनको प्रोजेक्ट, तो विच हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय अ सरफीट आर सरफेस ऑफ सरफेस. ठीक है जी, तो सरफेस सरफेस एंड सरफेस मीन्स के सुपरफिशियल थिंग्स को इतना ज़्यादा प्रोजेक्ट किया जाता है. मतलब कंज्यूमर कल्चर है ना आपका, मॉडर्निज्म में यह था प्रोडक्टिव कल्चर था, प्रोडक्शन एज थी, अब कंज्यूमर एज है. तो इसलिए इस चीज़ों को इतना ज़्यादा मोल्ड करके और वो मतलब है मीडिया के ज़रिए और इस तरह की चीज़ों के साथ वो उनको ऐसे प्रोजेक्ट किया जाता है वो समझ नहीं आता कि व्हाट इज़ रियलिटी व्हाट इज़ इल्यूजन. आगे चल के हमने जब इसका डिटेल से हमने ये पढ़ना है, ठीक है जी, एक हमारे पूरा लेक्चर है, तो उसमें हम कई देखेंगे कि मुख्तलिफ जो सोर्सेज ऑफ मीडिया हैं, सोशल मीडिया और मतलब जो आर्ट है और किस तरह डिपिक्ट कर रही है जो है ना इल्यूजन को. ठीक है जी, उनको ऐसे लगता तो ऐसे है जैसे रियलिटी है, तो ना रियलिटी और इल्यूजन का बाउंड्री जो है ना वो ख़त्म हो चुकी है. जेम्सन कैटलॉग्स की फीचर्स ऑफ पोस्ट मॉडर्न कल्चर एज सेल्फ रेफरेंशियलिटी, आयरनी, पेस्टिश एंड पैरोडी. ये इसके जो है ना वो फीचर्स हैं जो पोस्ट मॉडर्निज्म के इस बंदे के जो पब्लिश करते हैं. वो कहते हैं कि ये सारी चीज़ें सेल्फ रिफ्लेक्सिव भी हैं, आयरोनिकल भी हैं, और ये पेस्टिश है और पैरोडी होती है. किसी ने किसी चीज़ को पोस्ट मॉडर्न एज में उसको मतलब मीडिया के ज़रिए कॉपी किया जा रहा होता है या उसको जो है ना फ़नी किस्म की उसकी कॉपी बनाई जा रही होती है. तो जेम्सन रेफर टू दिस कल्चर रिसाइकलिंग एज हिस्टोरिसिज्म. तो वो कहते हैं कि ये समझ लें कि हिस्ट्री ही रिपीट कर रही है अपने आप को, जस्ट अब ये है कि थोड़ी बहुत चीज़ें हम चेंज करके कर लेते हैं. द रैंडम
कैनिबलाइजेशन ऑफ वेरियस पास्ट स्टाइल्स। तो हम समझ लें कि हम रैंडमली मुख्तलिफ स्टाइल्स को जो है ना वो इकट्ठा करके तो पोस्ट मॉडर्न बना रहे हैं स्टाइल, तो अरेजिंग हिस्टोरिकल डेप्थ। बस ये होता है कि हिस्टोरिकल डेप्थ को हम ख़त्म कर रहे हैं। मतलब हम देखें ना साइंस फिक्शन में क्या हो रहा है, ठीक है जी, कि आने वाले चीज़ों में या पास्ट में जाके हम लोग जो है उनको डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें प्रोजेक्ट स्टाइलिस्टिक अप्रोच क्या है जी। पोस्ट मॉडर्निज्म कंप्राइजेज ऑफ अ सेट ऑफ कोर आइडियाज़ एंड की कंसेप्ट दैट वर्क कलेबोरेटली टू शेप इट। तो मुझे एक जो है ना एक पूरा कोर आइडियाज़ है और ये कंसेप्ट हैं जो इकट्ठे मिलकर एक नई एक जो है ना शेप बना रहे हैं। द मोर ऑफ दीज आइडियाज़ एंड की कंसेप्ट इट एम्बेलिश द मोर ऑफ अ पोस्ट मॉडर्न टेक्स्ट इट बिकम्स। तो जितना इनको ज़्यादा डेकोरेट किया जाता है उतना ही अच्छा बन जाता है। दीज आर लार्जली डिराइव फ्रॉम द अबाव थीरिस्ट। वो कहते हैं ये वो जो तीन थीरिस्ट बताए गए हैं ये ज़्यादातर उन्हीं के कामों से ही इनको ड्राइव किया गया। तो इनके की कंसेप्ट क्या हैं, जेनरिक ब्लरिंग। वो कहते हैं कि ब्लर हो रहा है जो डिस्टिंक्शन बिटवीन जो है रियलिटी एंड इल्यूजन, ठीक है, तो ब्लर हो रही है। इंटरटेक्चुअलिटी एंड बाई कॉर्लेज। वो कहते हैं देखा जाए तो आप जितना भी कल्चर बन चुका है ये सारा का सारा एक दूसरे के साथ मिलता जुलता है, ठीक है। जो हम पास्ट के जो चीज़ें पढ़ें उसको हिस्टोरिसिज्म का जो अभी कंसेप्ट आया था ये वही वाली बात है कि वो कहते हैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम एक दूसरे का रेफरेंस किए बगैर इंटरटेक्चुअलिटी का वो हम नहीं कर सकते। प्लेफुलनेस या पैरोडी एंड प्रेस्टीज। तो मतलब किसी की जो है ना वो कॉपी बनाई जा रही है, ठीक है जी, पास्ट चीज़ों की, जैसे आप कहेंगे कि जो है मतलब पास्ट में एक जो है ना वो जानबूझ के आजकल कैरिकेचर बनाए जाते हैं, प्रेस्टीज बनाए जाते हैं। ऐसा वर्क जैसे डिवाइन कॉमेडी है डेंटे की, वो उसने 14-15 सेंचुरी में लिखी थी, उसके बाद जो है ना उसी को ही या उसका जो है ना वो बनाने की कोशिश की है जो क्या नाम है ऑस्टी कॉलरेज पोइट है 18 सेंचुरी में। तो प्रेस्टीज हाइपर रियलिटी मींस के रियलिटी को इतना ज़्यादा मोल्ड किया जा रहा है कि वो अब वो अपनी असल सूरत में रह नहीं पा रही। हाइपर कॉन्शियसनेस, फिर इलेक्ट्रिसिज्म, फिर डेथ ऑफ रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन के लिए इमेज साइन वो ख़त्म हो चुका है क्योंकि बाउंड्री जब ब्लर हो चुकी है, बाउंड्री कोई डिस्टिंक्शन है ही कोई नहीं, व्हाट इज़ रियलिटी एंड व्हाट इज़ जो है ना इल्यूजन, सो व्हाट वुड हैपन देन, अनसर्टेनिटी एंड लॉस ऑफ कॉन्टेक्स्ट। उसके बाद ये चीज़ भी है, कॉन्टेक्स्ट का लॉस हो गया है, हिस्टोरिसिज्म की डेवलपमेंट हो चुकी है। देन जी सम डेफिनेशंस। हाइपर रियलिटी, ये जो मैं टर्म्स यूज़ कर रहा था इनको डिफाइन करना भी ज़रूरी था। तो ये हाइपर रियलिटी अ हाइपोथेटिकल इनएबिलिटी ऑफ कॉन्शियसनेस। ये एक हमारी हाइपोथेटिकल जो इनएबिलिटी होती है कॉन्शियसनेस की टू डिस्टिंग्विश रियलिटी फ्रॉम फैंटेसी, इल्यूजन या फैंटेसी, स्पेशली इन टेक्नोलॉजिकली एडवांस पोस्ट मॉडर्न कल्चर। जो आजकल हमें मिकी माउस, ये पहले जो शेर और चूहे की कहानी थी, मिकी माउस का कंसेप्ट आ चुका है, ठीक है जी, इसी तरह डिज्नीलैंड और इस तरह के और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि मतलब जो हमें जहाँ रियलिटी का कुछ सोर्स नज़र नहीं आता। पैरोडी आल्सो कॉल्ड सेंड अप स्प्रूफ और लैम्पोन इन कंटेम्प्रेरी यूजेज, ठीक है जी, तो इज़ अ वर्क क्रिएटेड टू मॉक कमेंट ऑन और मेक फन ऑफ ओरिजिनल वर्क। मतलब ये ओरिजिनल कॉपी वर्क को मतलब मजाहिया अंदाज के साथ मोल्ड कर दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं जी, पैरोडी। तो जब हकीकत और फैंटेसी का रूप जो है ना, आगे ये चल के हमारे इसी जो है इससे अगले लेक्चर में हमारा आना है, ठीक है, जिसमें हम बहुत सारी मूवीज़ को भी डिस्कस करेंगे, बहुत सारे सोशल जो है वो बहुत सारे नॉवेल्स को भी डिस्कस करेंगे, कौन कौन से नॉवेल्स में किस किस तरह ये हाइपर रियलिटी यूज़ हुई है, कैसे इन चीज़ों को प्रेस्टीज किया गया, किस तरह इनको पैरोडी किया जा रहा है और इनका कैसे डेप्थलेसनेस आ चुकी है, ठीक है जी, और पॉइंट ऑफ व्यूज़ मल्टीपल परस्पेक्टिव आ रहे हैं और ये सारी चीज़ें। प्रेस्टीज इज़ अ लिटरेरियर अदर आर्टिस्टिक जॉनरीज दैट इज़ अ हॉज पॉज ऑफ एन इमिटेशन। कहते हैं कि इसको ना बहुत सारी चीज़ों को ना इमिटेट करके एक जगह पे इकट्ठा कर दिया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं जी, प्रेस्टीज। मतलब पोइट्री, पोइम, फिक्शन, ड्रामा, तो मतलब थ्रिलर, हर एक एलिमेंट को। तो इस तरह आजकल के जितना मीडिया के ऊपर चीज़ें प्रोजेक्ट की जा रही हैं उनके पीछे ये तीन बड़े जो है ना चीज़ें कारमा होती हैं, हाइपर रियलिटी, पैरोडी एंड प्रेस्टीज। तीन तीन के लिए, क्योंकि मीडिया टेक्नोलॉजी के जो डेज हैं तो इस वजह से ये जो है ना इनको इनको बहुत यूज़ किया जाता है, रियलिटी को छुपा दिया जाता है। मतलब जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं वो कहते हैं कि इस तरह हकीकत कुछ बनाया जाए तो वो उसको इतना फैंटेसाइज किया जाता है कि वो डिस्टिंक्शन करना बहुत मुश्किल हो जाता है जी। तो इस तरीके के साथ आगे चल के हमने देखा
ओके, सो व्हाई इज पोस्ट मॉडर्न यूजफुल इन एनालिसिस? एज अ पार्ट ऑफ योर फिल्म एंड टीवी एनालिसिस, अ कंसिडरेशन ऑफ वेदर अ टेक्स्ट इज पोस्ट मॉडर्न एंड इन व्हाट सेंस इज फंडामेंटल एंड विल गेन मार्क्स. तो ये चीज़ें जो है ना आपने देखनी है इसमें. टू कंसिडर वेदर अ टेक्स्ट इज पोस्ट मॉडर्न और नॉट, वी विल लार्जली रिलाई ऑन अ स्टाइलिस्टिक अप्रोच. स्टाइलिस्टिकली हमने देखना होगा कि इसके अंदर प्रेस्टीज, हाइपर रियलिटी और जो है ना ये क्या नाम था तीसरी जो टर्म थी वो यूज़ की गई है कि नहीं. हाइपर रियलिटी, प्रेस्टीज और पैरोडी, ठीक है जी. तो विच देमसेल्व्स आर अ प्रोडक्ट ऑफ हिस्टोरिकल एंड थियोरेटिकल अप्रोचेस. तो ये खुद जो स्टाइलिस्टिक फीचर्स हैं ये खुद ही प्रोडक्ट हैं हिस्टोरिकल और थियोरेटिकल अप्रोचेस के. उसके बाद जी वी विल आल्सो कीप द अदर अप्रोचेस इन माइंड एंड लुक एट हाउ अ पोस्ट मॉडर्न व्यू पॉइंट. फिर हम इन्हीं अप्रोचेस दो और भी अप्रोचेस को देखेंगे माइंड्स में रखते हुए फ्रॉम इधर अ हिस्टोरिकल और द थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू अफेक्ट्स द वे इन विच द ऑडियंस एंड द इंडस्ट्री प्रोड्यूस एंड कंज्यूम द मीडिया. किस तरह इंडस्ट्री इन चीज़ों को प्रोड्यूस कर रही है, किस तरह स्टाइलिस्टिक और हिस्टोरिकल, मतलब हम ये तीनों अप्रोचेस देखेंगे तो वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन द प्रेजेंट टाइम एंड हाउ द रियलिटी इज़ बीइंग कंसील्ड अंडर द सर्टन डिसगाइज, ठीक है जी. तो इस तरीके के साथ पोस्ट मॉडर्न थिंकिंग जो है ये स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि हर चीज़ को स्केप्टिकली देखा गया है, हर चीज़ को चैलेंज किया गया है, ठीक है जी. तो उसके बाद जो है फ्रॉम व्हाट यू हैव लर्न टुडे विच टेक्स्ट डू यू थिंक कुड बी डिस्क्राइब एज अ पोस्ट मॉडर्न, ठीक है जी. तो कौन सा टेक्स्ट आप पोस्ट मॉडर्न कर सकते हैं, ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ये आप ज़रूर जो है इनको देखिएगा. तो ये तीन बड़े थीरिस्ट हैं, आपने ये पढ़े, उसके बाद इनके अंदर जो अप्रोचेज हैं, ठीक है जी, मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म का डिफरेंस पढ़ा. मॉडर्निज्म के अंदर एक जो चीज़ें आ रही थी उसके बाद क्या यकदम से जो है डिफरेंस आया, ठीक है जी, होलोकॉस्ट और ड्रॉपिंग ऑफ एटॉमिक बम की वजह से. तो फिर बर्थ ऑफ, जहाँ मॉडर्निज्म ख़त्म हुई वहाँ पर पोस्ट मॉडर्निज्म की बर्थ हुई. तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी, ठीक है जी. उसके बाद जो है ना हमने आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ा कि जो आजकल हम जो चीज़ें देख रहे हैं वो आर्ट में भी उस तरह प्रोजेक्ट हो रही हैं क्योंकि हर चीज़ को चैलेंज किया जाता है, ठीक है जी. तीन पर्सपेक्टिव हैं इसके, हिस्टोरिकल, स्टाइलिस्टिक एंड थियोरेटिकल, ठीक है जी. तो इन तीनों तरह हमने देखा कि थियोरेटिकल फ्रेमवर्क से साथ वो थीरिस्ट ने बताया, स्टाइलिस्टिक के लिहाज से हमने देखा, हिस्टोरिकली मॉडर्निज्म का जो अपोजिट है, कुछ मॉडर्निज्म की चीज़ें अडॉप्ट कर ली गई हैं, कुछ नहीं की गई हैं, ठीक है जी. तो आप लोगों की आवाज़ नहीं आ रही तो प्लीज़ आप लोग जो है ना मुझे मैसेज भेज सकते हैं, ठीक है जी, इन ऑर्डर टू मेक द क्वेरीज. इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो पढ़ेंगे जी. जी बेटा, हाइपर रियलिटी इन मीडिया एंड लिटरेचर और ओवरव्यू ऑफ देंगे जीन बॉडीलॉर्ड, ठीक है. ये जीन बॉडीलॉर्ड का बहुत ज़्यादा कंसेप्ट है मीडिया के अंदर और इसकी वो बता रहा है हाइपर रियलिटी किस तरह, मतलब जो है ना क्रिटिकल थीरी है पोस्ट मॉडर्निज्म की और किस तरह जो है ना नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहे हैं हाइपर रियलिटी के विजिबल मीडिया और लिटरेचर के ऊपर, ठीक है जी. तो इन और किस तरह इनका थ्रेट बन रहा है कंटेम्प्रेरी सोसाइटी के ऊपर, इनका एसोसिएशन जो है, तो मतलब इस चीज़ों को हमने इल्यूजन ऑफ रियलिटी आर ऑलवेज फॉर्म्ड एंड दे प्रिटेंड एज द ओरिजिनल. तो इल्यूजन किस तरह रियलिटी का मतलब जो है ना उनको दिखाया जाता है कि ये ओरिजिनल है, हालांकि बात कुछ और है पोस्ट मॉडर्न एरा के अंदर और उसको किसी और तरीके से बड़े आराम से, ठीक है जी, जैसे मैस किलिंग कर दी जाए तो हुकूमत के पास एक बहुत बड़ा मीडिया टूल होता है और वो बड़े आराम से कह देते हैं कि इस हालांकि एथनिक क्लिनजिंग हो रही है या इस तरह का काम हो रहा है. हम बड़ा मतलब जो है ना तो छोटी छोटी बातें हैं उनको किस तरह, उनके जो रिपरकॉशंस हैं उनको किस तरह लपेट के अपने जो है ना उन मतलब बयान किया जा रहा है और इल्यूजन और फैंटेसी का जो गैप है उसको ख़त्म किया जा रहा है. तो इसको हम इंशाल्लाह सिमुलाक्रा, सिमुलेशन और हाइपर रियलिटी को हम डिटेल से पढ़ेंगे. आज हमने इसको पोस्ट मॉडर्निज्म को तीनों तरह अप्रोचेस के साथ डिस्कस किया है, ठीक है जी, हिस्टोरिकल, स्टाइलिस्टिक और थियोरेटिकल, ठीक है जी. तो अब ये 3 मिनट्स हैं, आप इसको स्लाइड्स को देख सकते हैं, मैं स्लाइड भी शेयर कर दूँगा इंशाल्लाह. तो आप लोगों को क्वेश्चन है तो आप लोग बता सकते हैं मुझे, ठीक है जी. तो उसके अलावा अटेंडेंस आप मुझे दे दीजिएगा. ठीक है जी, स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा.
Thank you.